अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं जो कि ये एज एंड सेक्स पिरामिड का। इस ग्राफ को हम समझते हैं, ये जो डिस्कशन हुआ है ना यहाँ पे, वही डिस्कशन से हम समझते हैं। यहाँ पे ये बोल रही दिस ग्राफ लुक्स डिफरेंट, तो ये लड़का बोल रहा है कि हाँ दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है एज एंड सेक्स। एज का मतलब तो हो गया उम्र, और सेक्स का मतलब हो गया वो मेल है या फिर फीमेल। तो अगर आप इस ग्राफ में देखो तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये किसके बारे में बता रहा है, मेल के बारे में, और ये जो पिंक वाला पार्ट है ये किसके बारे में बता रहा है, फीमेल के बारे में। और यहाँ पे इनका एज लिखा हुआ है, देखो ये सब क्या लिखा हुआ है, एज। जैसे कि अगर ध्यान से देखो, और ये कौन से साल की बात कर रहा है, साल 2016 की, और ये किसके लिए ग्राफ है, ये है ब्राज़ील का। तो अगर इसमें देखो तो ध्यान समझो, ये देखो ये है 0 से लेके 4 साल के बच्चे, ये उम्र लिखा हुआ है 0 से लेके 4 साल के बच्चे। और ये कौन है, ये है सारे बॉयज़, और ये कौन है, सारे गर्ल्स। तो अगर तुम देखो तो 0 से लेके 4 में अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि ब्राज़ील में कौन ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये गैप देखो यहाँ पे, ये गैप यहाँ पे देखे, और यहाँ वाला गैप देखो, तो कहाँ पे गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा फीमेल में दिख रहा है। इसका मतलब ब्राज़ील में 0 से लेके 4 साल में कौन ज़्यादा है, तो वो मेल ज़्यादा है। ये समझ में आया, ठीक है। अगर ये वाला देखो कि 10 से लेके 14, कि 10 से लेके 14 साल के बच्चों में कौन ज़्यादा है, मेल या फिर फीमेल, तो ये देखो ये 1, 2, 3 थर्ड लाइन है, तो ये देखो ये रहे मेल, ठीक है। 4% से भी ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में देखो 4% से भी ज़्यादा है। वही अगर फीमेल को देखो तो वो एग्जैक्ट 4% ही है। तो यहाँ पे भी कौन ज़्यादा हो गया, 10 से लेके 14 साल में जो मेल है वो ज़्यादा हो गए, और जो फीमेल है वो 10 से लेके 14 साल में मेल के कंपेयर में कम है। मतलब अगर देखा जाए तो 4% से ज़्यादा मेल हैं और 4% फीमेल हैं 10 से लेके 14 साल में। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। तो इसका एक और नाम क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये पहला क्वेश्चन भी आ सकता है यही, कि व्हाट डज द ग्राफ शोज, द ग्राफ शोज़ द एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। अब सेकेंड आएगा, व्हाट इज़ द यूज़, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ इट्स यूज़, इट इज़ यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ रीजन्स पॉपुलेशन। तो भाई एक पर्टिकुलर किसी भी देश में, किसी भी जगह में किस उम्र में कितने बच्चे हैं, क्या वो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, वो हमें जानने को मिलता है। अभी हमें मिला ना, हमने 2 एग्जाम्पल किया यहाँ पे, तो उससे हमें मालूम पड़ा कि 0 से लेकर 14 साल में जो मेल हैं वो ज़्यादा है, और फीमेल जो है वो मेल कंपेयर में कम है। तो हमें ये समझ में आता है इस ग्राफ से। फिर डज दैट मीन दैट वी कैन नो द नंबर और परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन आवर कंट्री। क्या इसका ये मतलब है कि हमें मालूम पड़ेगा कितने परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल है किसी भी एज ग्रुप में। तो बिल्कुल, अभी हमने देखा भी था, येस ऑफ कोर्स दिस हेल्प अस टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस यूथ एंड ओल्ड पीपल इन आवर कंट्री। तो इस ग्राफ से मालूम पड़ता है कि कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं और कितने बूढ़े लोग हैं हमारे कंट्री में। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन दिस पिरामिड वी कैन सी दैट नंबर ऑफ यंग पीपल इज़ मोर इन बोथ द कंट्रीज, बट प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज़ मोर इन इंडिया, वाइल प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 80 इज़ मोर इन ब्राज़ील। तो ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कहाँ पर हैं, इंडिया में, और ओल्ड पीपल कहाँ पर ज़्यादा है, 80 साल के ऊपर ब्राज़ील में। इसको हम देखते हैं, देखो ये देखो ये है 0 से लेके 4 साल, ये 4% से भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मान लो ऑलमोस्ट 5%। यहाँ पे भी देखो 4% से ज़्यादा है, तो मेल हो या फीमेल है ना, ब्राज़ील से कंपेयर करते हैं। ब्राज़ील में देखो 0 से लेके 4 साल में 4% गया भी नहीं है, देख रहे हो। तो बच्चे चिल्ड्रन कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो चिल्ड्रन ज़्यादा है इंडिया में। और अगर तुम 80 साल के ऊपर देखो, तो ये देखो ये है 80 साल, यहाँ से अगर इनका ग्राफ देखो ना, तो ये देखो साइज़ देख रहे हो इनके ग्राफ का, और इंडिया में देखो
जीरो से लेकर 80 साल में। अभी ग्राफ क्या होता जाएगा, एकदम ही कम होते जाएगा। तो याद रखना है कि 80 साल के ऊपर ब्राज़ील में लोग ज़्यादा है ना, एजेड लोग कहाँ पे ज़्यादा है, ब्राज़ील में, और चिल्ड्रंस कहाँ पे ज़्यादा है, इंडिया में। एक और चीज़ याद रखना है, कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, ब्राज़ील पॉपुलेशन इज़ गेटिंग स्लोली ओल्डर, बट इन इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ मोर। तो क्या चीज़ पहले याद रखना है वो देख लो, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आएंगे। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो वो शो कर रहा है एज एंड सेक्स, और इसे एक और क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा कि चिल्ड्रन किस देश में ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन ज़्यादा है इंडिया में। फिर आएगा यूथ किस देश में ज़्यादा है, जवान लोग किस देश में ज़्यादा है, तो वो आएगा इंडिया में, है ना, इंडिया लिख लो, इंडिया लिख लो। फिर पूछेगा कि ओल्ड पीपल कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो क्या आएगा, ब्राज़ील में। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्राफ दिया है इस डाटा का इंटरवल क्या है, इंटरवल ऑफ डाटा। ये हमेशा बच्चे गलत करते हैं एग्ज़ाम में। देखो इंटरवल ऑफ डाटा या पीरियड ऑफ डाटा पूछेगा तो क्या करना है, ये देखो, ये दो देखो डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर इंटरवल डाटा देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे 4 साल, फिर 9 साल, फिर 14 साल, फिर 19, फिर 24, फिर 29। इन हर साल में गैप कितने साल का आ रहा है, गैप आ रहा है 5 साल का, 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19, तो गैप कितने साल का आ रहा है, 5 साल का। तो क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ डाटा कितना है, 5 साल का। ऐसे ही कई और ग्राफ आते हैं ना जिसमें भी पूछते हैं इंटरवल ऑफ डाटा, उसमें देखो ऐसा गैप होता है कि मान लो पहले 1960 दिया है, फिर 1970 दिया है, फिर 1980 दिया है, और पूछते हैं कि इंटरवल ऑफ डाटा बताओ। तो तुम्हें खाली इतना याद रखना है कितने साल का गैप है इन लोग के बीच में, 10 साल का। तो क्या आ जाएगा, इंटरवल ऑफ डाटा या पीरियड, इंटरवल पूछे या पीरियड पूछे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 साल ऐसे। और उसमें क्या हो रहा है, 0 से लेके 4, फिर है तुम्हारा 5 से लेके 9, फिर है 10 से लेके 14। तो इसमें इंटरवल कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है, इसमें है 5 साल का, देख रहे हो इसमें कितना है, 5 साल का। तो इंटरवल ऑफ डाटा क्या हो गया, 5 साल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वाले में, ठीक है। और कोई, हाँ पूछ सकता है किसका बेस बहुत ब्रॉड है। तो इसका बेस देखो, इतना बेस है इसका, ये वाली लाइन को देखना है, ये है इसका बेस। लेकिन अगर इंडिया वाले का देखोगे ना, तो बेस बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बेस किसका बड़ा है, इंडिया का। तो ये चीज़ याद रखना है इस मैप में। कुछ जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, जो एक और बार रिवाइज कर लोगे, सबसे पहले पूछ लेगा इसका नाम क्या है, तो वो आएगा एज एंड सेक्स का पिरामिड। इसको एक और नाम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन पिरामिड। किस कंट्री में यंग लोग ज़्यादा हैं, तो वो है इंडिया में। किस कंट्री में चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, इंडिया में। कहाँ पर ओल्ड पीपल ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा ब्राज़ील में। बेस किसका ज़्यादा है, तो बेस भी किसका आएगा, इंडिया में, ठीक है। और एक कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, इंटरवल ऑफ डाटा अगर पूछे तो कितना साल है, 5 साल, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हो सकते हैं, बाकी इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तुम कोई भी एक एज ग्रुप में देखो, कोई भी एक एज ग्रुप देख लो, जैसे देख लो 30 से लेकर 34, इस एज ग्रुप में अगर तुम मेल को देखते हो, तो मान लो ये वाली लाइन है, अगर तुम मेल को देखो और फीमेल को देखो, अगर मैं इस लाइन को मानता हूँ, ये लाइन में देखो, ये लाइन है शायद 25 से 29 की, हाँ 25 से 29 में, ये लाइन को देखो, यहाँ पे मेल 4% से भी ज़्यादा है। वही अगर तुम फीमेल को देखोगे, तो वो 4% या 4% से हल्के से ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन हो गया, यहाँ पे भी मेल। अगर आपको एक ग्राफ देखना आया होगा, तो इतना ही है इस ग्राफ में। इस ग्राफ में मेन ये सारे क्वेश्चंस याद रखना, और एक दो बार ध्यान से ये कंपेयर करते रहना कि मेल फीमेल कहाँ पे ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में बताओ मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, तुम्हें बस लाइन ही देखना होता है उसमें, यहाँ परसेंटेज से कंपेयर करके। तो इस ग्राफ में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ करेंगे।